नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द बंदी भारत। आगरा में सनातन विचार मंच द्वारा विप्र महापंचायत का आयोजन किया गया। यह आयोजन सूर सदन स्थित सभागार में हुआ। बता दें कि महापंचायत में आगरा सहित आसपास के कई जिलों से विप्र बंधु उपस्थित हुए। वहीं मंच पर उपस्थित सभी लोगों ने ब्राह्मणों का उत्थान कैसे हो इस पर भी चर्चा की और ब्राह्मण किस तरह से आगे बढ़े उन बातों पर भी विशेष रूप से चर्चा की गई। साथ ही आपको बता दें कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक और ऊर्जा मंत्री भी मौजूद रहे। वहीं प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने ब्राह्मणों को इस कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद भी दिया और कुछ मूल मंत्र भी दिए। तो आप भी सुनिए क्या कुछ कहा श्रीकांत शर्मा ऊर्जा मंत्री ने। मैंने जो गायत्री मंत्र का उच्चारण हमने किया, हम सभी लोग सुबह प्रातः काल अपने बिस्तर को छोड़ के ही ईश्वर को स्मरण करते हैं। सभी लोग करते हैं, करते नहीं करते? बिस्तर छोड़ने से पहले जब हम पहला पैर पृथ्वी पर रखते हैं तो मां पृथ्वी को भी स्पर्श करते हैं, प्रणाम करते हैं और उसके बाद भी पहला पैर जमीन पर रखते हैं। कितने नित्य क्रियाएं जो होती हैं उसके बाद फिर हम स्नान करते हैं। स्नान के बाद फिर एक बार अपने मंदिर में जहां भी हमारा स्थान होता है वहां पूजा करते हैं और फिर कितने लोग हैं जो सुबह हवन करते हैं, देखिए कितनी संख्या कम है। तो ये संख्या कल से बढ़ने वाली है क्या? कितने लोग हैं जो कल से सुबह ही अपने प्रातःकाल जो हमारा नियम है, नित्य नियम है, उसमें हवन को हम लोग शामिल करेंगे? कितने लोग करेंगे शामिल? मुझे लगता है सभी विप्र बंधुओं को शामिल होना चाहिए। समाज में हमारे अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।